वो बनना तो चाहते थे एक नामी रेसलर, पर जल्द पैसा कमाने की चाहत में बन बैठे शातिर लुटेरे। लूट में इस्तेमाल गाड़ी के व्हील कैप और खराब टेल लाइट ने उन्हें जेल तक पहुंचा दिया। दरअसल दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने 4 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया जो पहलवान है, लेकिन उनकी पैसे की भूख ने उन्हें अपराधी बना दिया। पुलिस टीम के गिरफ्त में खड़े ये चारों नकाबपोश दरअसल लूट के आरोपी हैं। जिले के DCP ने बताया कि कुछ दिनों पहले इन बदमाशों ने थाना समयपुर बादली इलाके में एक कारोबारी से बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया था। साथ ही उसे डराने के इरादे से इन्होंने कारोबारी के नौकर को पैर में गोली मारी और वहां से स्विफ्ट कार में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आपको पहला अपराधी जिसका नाम दिनेश अभ्यास राजा है, ये एक बेडशीट की दुकान पे सेल्समैन का काम करता था और ये इसके साथ साथ में रेसलिंग भी करता था। रेसलिंग ये चारों लोग ही करा करते हैं। दूसरा जो मैंने नाम बताया लक्ष्य सचिन, उसका आपको बताया कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पे भी रेसलिंग कर चुका है। तीसरा हरदीप जिसका नाम है, जिसकी ये गाड़ी भी थी, ये अपने भाई की फैक्ट्री में काम करता था उसके साथ में, जिस फैक्ट्री में अभी कुछ दिनों से काफ़ी घाटा आ गया था और वो बिजनेस इनका इतना अच्छा नहीं चल रहा। और चौथा रॉबिन अलियास सनी, यहाँ पर लोकल कोल्ड ड्रिंक का सप्लाई का काम। सर क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें होने की उम्मीद है? अभी जैसा अभी हमारे पास में इनिशियली बात आई है, ये वारदात के अंदर तो इन्हीं चारों की शामिल होने की खबर हमारे पास है। बाकी अभी हम इस पर रिमांड लेकर इनका और इंटरोगेशन करेंगे। ये कारजू और आसपास के कुछ इलाकों की रॉबरी भी हमारे पास सूचना है जो इन्होंने की है और जल्दी इसका खुलासा हम करेंगे। लेकिन अब इन्हें जिले के स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अजय शर्मा, SI कमलेश मीना, ASI ओमबीर, हेड कांस्टेबल अरुण, वो कांस्टेबल हनुमान और सचिन की टीम ने धर दबोचा। DCP गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए चारों लुटेरे दिनेश उर्फ राजा, लक्ष्य उर्फ सचिन, रॉबिन और हरदीप हैं, जो कि पहलवान होने के साथ साथ रेसलर भी हैं, जिनमें से एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग में गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि सभी रेसलर होते हुए भी आसानी से पैसा कमाकर लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में अपराध की दुनिया में आए और लूटपाट कर पैसा कमाना एक इन्हें आसान विकल्प लगा और बस फिर क्या था, रेसलिंग करते हुए लूटपाट की वारदात को अंजाम देने लगे। वहीं इन्हें पकड़ना भी पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि वारदात की जगह कोई CCTV फुटेज भी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। लेकिन 8 दिन की कड़ी मेहनत और करीब 170 CCTV कैमरे की फुटेज को बारीकी से खंगाले जाने के बाद पुलिस टीम ने वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी की ब्लैक व्हील कैप और एक तरफ की खराब टेल लाइट वाले स्विफ्ट डिजायर का क्लू निकाला। इसी छोटे से क्लू की वजह से आखिरकार ढूंढने में उन्हें कामयाबी मिली। फिर मौका मिलते ही पुलिस टीम ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल डिजायर गाड़ी भी बरामद कर ली है। जाहिर है कि इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। बता दें कि जल्द पैसा कमाने की चाह आजकल के कुछ युवाओं को जुर्म के दलदल तक पहुंचा देती है, जहां आना तो शायद आसान है लेकिन इससे निकल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बाइट गौरव शर्मा, नीरज शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।